हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास थ्री का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फाइव तक पढ़ लिया था, आज हम चैप्टर सिक्स से स्टार्ट करेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो आइए इसी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की। फर्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन वो जानते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स सेम, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट सेम रहेगा इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर लें। जैसे टू मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, एंड थ्री मल्टीप्लाई टू क्या होगा, थ्री टू जा सिक्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर टू और थ्री का ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो यही हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। The product of three numbers remains same even if we change the grouping of the numbers. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन्स सेम, यानी थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर, अगर हम उस नंबर का ग्रुपिंग चेंज कर देंगे। जैसे अगर टू मल्टीप्लाई थ्री इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई फोर हो तो रिजल्ट आएगा सिक्स मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू 24, और अगर टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर होगा टू मल्टीप्लाई फोर थ्री या 12, रिजल्ट आएगा 24। यहां पर रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे ग्रुपिंग नंबर का अलग अलग है, यहाँ टू मल्टीप्लाई थ्री एक ग्रुप में है, यहाँ थ्री मल्टीप्लाई फोर एक ग्रुप में है, तो ग्रुपिंग चेंज करने से उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो यही हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर थ्री, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन, यानी किसी भी नंबर का जब वन के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वही नंबर रिजल्ट में आएगा। जैसे अगर टू मल्टीप्लाई वन करें तो रिजल्ट टू ही आएगा, 312 मल्टीप्लाई वन करें तब रिजल्ट 312 ही आएगा, तो यही हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी नंबर फोर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। When a number is multiplied by zero, the product is always zero.
यानी जब हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही रहेगा। तो ये होगी आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और एक लास्ट प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर by the sum of two numbers is the same as the sum of the products of that number by the two numbers separately। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय द सम ऑफ टू नंबर, यानी किसी एक नंबर का किसी दो नंबर के सम के साथ का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर बाय द टू नंबर सेपरेटली, उस दोनों नंबर से सेपरेटली किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन के। उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 15 करते हैं तो रिजल्ट 75 आता है, लेकिन अगर हम इस 15 को लिख दें 10 प्लस 5 तो फिर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई फर्स्टली 10 होगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 होगा, 10 5 जा 50, 5 5 जा 25, रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 75। तो यही हो गया, दोनों कंडीशन में रिजल्ट तो हमारा सेम रहा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यही कुछ प्रॉपर्टीज थे, आइए हम अपना एक्सरसाइज 6 देखते हैं। फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टीप्लाई 2191 इज इक्वल टू 2191 मल्टीप्लाई 137। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे है, यहाँ दोनों नंबर 2191 और 137 है, तो यहाँ 2191 पर लिखा हुआ है तो यहाँ 137 डाल देंगे, दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। सेकेंड में 78 मल्टीप्लाई 100, तो 78 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 ही रहेगा और यहाँ कितना 20 है तो यहाँ भी हम 20 डाल देंगे। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग 127 मल्टीप्लाई 30। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 127 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 10 3 जाए 30। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21 बैलेंस 2, 3 2 6 2 8, 3 1 जाए 3 मल्टीप्लाई 10, अब कितना हो जाएगा 3810। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर एच है 729 मल्टीप्लाई 8000, तो हम लिख लेंगे 729 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1000, 8972 बैलेंस 7, 8216 और 7 23 का 3 बैलेंस 2, 8756 और 258 मल्टीप्लाई 1000, सो 5 8 3 2 1 2 3 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें ग्रुपिंग कर लेना है, तो इसमें 2 और 5 का हम ग्रुपिंग करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 को एक साथ मल्टीप्लाई 37, रिजल्ट होगा 10 मल्टीप्लाई 37 इक्वल टू 37। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 6 के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम एक्सरसाइज 6 भी देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट एक्सरसाइज 6B 246 मल्टीप्लाइड बाई 227। तो सबसे पहले हम 7 का 6 से करेंगे, तो 7 6 40 का 42 बैलेंस 4, 7 4 28 और 4 32, 2 बैलेंस 3,
सेवन टू या 14 और 3 17, फिर 2 से 6 या 2 6 या 12 का 2। अब यहां फर्स्ट नंबर छोड़ लिए क्योंकि टेंथ डिजिट से कर रहे हैं, तो यहां पर टेंथ डिजिट से नंबर लिखेंगे। 2 6 या 12 का 2 बैलेंस 1, 2 4 जाए 8 1 9, 2 2 जाए 4, मतलब हम ऐड कर लेंगे 2 2 2 4 9 7 6 6 बैलेंस 1 4 1 5 1 6। ऐसे अगर 3 नंबर्स का रहेगा, क्वेश्चन नंबर ई में है 8 1 6 मल्टीप्लाई 1 5 8, 8 6 जाए 48, 8 बैलेंस 4, 8 1 जाए 8 4 12 2 बैलेंस 1, 8 5 जाए 40 और 1 41, फिर 5 6 जाए 30 0 बैलेंस 3, 5 1 जाए 5 3 8, 5 8 जाए 40 और फिर 1 से 6 1 8, तो हम ऐड कर देंगे 8 2 8 1 9 6 15 5 बैलेंस 1 4 1 5 1 6 8 4 2। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज 6 से और 6 बी के सारे क्वेश्चन पीडीएफ के द्वारा मिल जाएंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।